नमस्कार, बी योर मनी मैनेजर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए एक और एपिसोड लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका मनी मित्र रजनीश कांत। आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी के 6 सबक। डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण, जिसे नोटबंदी भी कहते हैं, ने हर किसी को खट्टे मीठे अनुभव दिए हैं। अचानक से 500 और 1000 रुपये के नोट को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा से हम सब अवाक रह गए थे, लेकिन आगे भी इस तरह की अगर कोई घोषणा होती है तो हमें इस बार की नोटबंदी से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। खासकर बात जब पर्सनल फाइनेंस की हो तब, तो हम आपको बताते हैं 6 प्रमुख सबक क्या क्या ले सकते हैं। पहला सबक, आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर होना चाहिए। दूसरा सबक, घर पर कैश या नकदी ज़्यादा मत रखें, जितनी ज़रूरत हो उससे थोड़ा ही ज़्यादा पैसे घर पर रखें। हाँ, घर का बजट जरूर बनाएं और समझदारी से खर्च करें। तीसरा सबक, खर्च से ज़्यादा पैसे अगर आपके पास हों, यानी अपनी बचत को कहीं ना कहीं सुरक्षित और मुनाफा देने वाले निवेश साधन में निवेश कर दें। चौथा सबक, जरा भी घबराए नहीं और घबराहट में अपने एसेट एलोकेशन को मत बदलें जब तक ज़रूरत ना हो। पांचवा सबक, अपनी कमाई पर ईमानदारी से टैक्स चुकाएं और काले धन को एकदम महत्व नहीं दें। छठवां सबक, अपने पैसों के प्रबंधन के लिए बदलते तकनीक से परिचित रहें। पैसों के प्रबंधन के लिए बहुत सारे मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन तरीके मौजूद हैं, साथ ही इसमें नए नए बदलाव भी हो रहे हैं, तो पैसों के प्रबंधन से जुड़ी इन तकनीकों से खुद को अपडेट रखें। तो उम्मीद है अगली बार जब भी नोटबंदी की अचानक घोषणा हो, आप पहले से ही ऊपर लिखे उपायों को अपनाकर इसका आसानी से सामना कर सकेंगे। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए हमारा हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग beyourmoneymanager.blogspot.com। और हाँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।